ये पर्टिकुलर वीडियो उत्तराखंड जुडिशियल प्रीलिम्स के रिगार्डिंग है और इस वीडियो में मैं आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके रिगार्डिंग किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें कवर की जाएं ताकि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएं उसके रिगार्डिंग आपको मैं सारे टिप्स बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम इट कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको किस वे से पढ़ना है और कम समय में आप 100% आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी बात की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बार सारा जो ओवरऑल कंटेंट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है दैट इज जनरल नॉलेज। उत्तराखंड जुडिशियल के लिए ये एक मेजर पार्ट है क्योंकि बाकी स्टेट्स की तरह इसमें 8 या 10 क्वेश्चंस नहीं होंगे जो इस पार्ट में से कवर होंगे, रादर एक पूरा पोर्शन होगा ऑफ 50 मार्क्स। तो अपने आप में आप जितना टाइम भी जनरल नॉलेज वाले पार्ट पे देंगे दैट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। और इसमें मेन कंटेंट क्या कवर करना है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया पोस्ट डालता हूँ आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिल पाएं। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेवलपमेंट, हैपनिंग्स अराउंड इंडिया एंड विद द वर्ल्ड एंड लीगल एस्पेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल लॉ है दैट इज रिगार्डिंग कोई भी आपके जो जनरल एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जो कोई भी इंटरनेशनल समिट्स होते हैं जिनके रिगार्डिंग इट कुड बी G7 समिट, इट कुड बी G20 समिट। तो इनके बारे में आपको नॉलेज रखनी है कि कौन सा समिट कहाँ पे हुआ। अपार्ट फ्रॉम इट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं ये भी इंटरनेशनल एस्पेक्ट में कवर होगा। और जो कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो इंडिया की विद अदर नेशंस कहाँ पे कंडक्ट हुई और उसमें मेन मेन जो पर्सन कौन इन्वॉल्व थे दैट हैज टू बी कवर्ड। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है दोस्तों, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ बेसिक आर्टिकल्स की ही नॉलेज जरूरी नहीं है, रादर जो मेन अमेंडमेंट्स हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ पेथ एंड सब्सटांस, कलरेबल लेजिस्लेशन, ये सब आपको गो थ्रू करने हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जो हिस्टोरिकल पार्ट्स हैं आपको वो बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टाइम टेकन टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वॉज 2 years 11 months and 18 days। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव बाय जवाहरलाल नेहरू, द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग करने हैं। दैन इज द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करना है। आर्टिकल्स में आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 32, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो सबसे मेन पार्ट है। दैन इज रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, देन रिगार्डिंग द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब की डिटेल, एडहॉक पार्स, ये सब इंपॉर्टेंट चंक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो अगर आप सिलेबस को थोड़ा ध्यान से आप तैयारी करते हैं, मतलब एक प्लान्ड वे से, देन यू विल बी ईजिली एबल टू कवर द सिलेबस इन द गिवन टाइम। तो आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके यू कैन स्कोर वेल इन द एग्जाम। लैंडमार्क केसेस और कोई भी रीसेंट केस लॉ है उसको भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में। अब जो नेक्स्ट है, हैपनिंग्स अराउंड इंडिया एंड द वर्ल्ड और डेवलपमेंट्स या कोई लीगल एस्पेक्ट, दैट इज कोई भी रिसर्च, किसी भी तरह की मीटिंग्स, किसी भी तरह के जनरल प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट और लीगल एस्पेक्ट्स में कोई अपॉइंटमेंट्स, ये सब कवर होगा फॉर द एग्जामिनेशन। और GK के पार्ट में जनरल, लाइक इट कुड बी मिलिट्री ऑपरेशंस, इट कुड बी एनी ऑफ द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वाटर और बाउंड्रीज, तो आपको सब ये इसके बारे में नॉलेज रखनी है कि ये डिस्प्यूट किसके रिगार्डिंग थे और उसका कोई पर्टिकुलर कोड वर्ड लाइक फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, आपको उसके बारे में नॉलेज रखनी है फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर उत्तराखंड प्रीलिम्स, आपको यू शुड डिवाइड द डे
सो दैट आप जीके को एक प्रॉपर टाइम दे पाएं और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर पाएं। जो जनरल नॉलेज का पार्ट है, इट ऑल्सो पर्टेन्स टू जनरल अवेयरनेस, जनरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, इट कुड बी रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट और बाय इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक सेबी, आरबीआई और एनी ऑफ द गाइडलाइंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन। आपको उन सबको एक बार गो थ्रू करना है। तो जो मेंबर्स वीआईपी ग्रुप के हैं, आई विल बी पोस्टिंग मोर मटेरियल इन द ग्रुप, सो दैट जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिल पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आप वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताना चाहूंगा, लाइक सेक्शन नंबर 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 6 व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, सेक्शन 7 पर्संस कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन 8, ओरल ट्रांसफर सेक्शन 9, कंडीशन रिस्टेनिंग एलियनेशन सेक्शन 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्शन 11, सेक्शन 13 रिगार्डिंग अनबॉर्न पर्सन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो सीरीज ऑफ सेक्शन हैं, सेक्शन 19 इज फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, सेक्शन 21 फॉर कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर। फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन अंडर सेक्शन 35 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 41 रिगार्डिंग ऑस्टेंसिबल ओनर, सेक्शन 43 रिगार्डिंग अनऑथराइज पर्सन, सेक्शन 52 रिगार्डिंग पेंडिंग सूट, 53 रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, 53 कैपिटल ए रिगार्डिंग पार्ट परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, इनको आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है फॉर दिस एग्जामिनेशन। और सेक्शन 54, 56, 58 मार्शलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 56, सेक्शन 58 इंक्लूडिंग मॉर्गेज एंड टाइप ऑफ मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देन सेक्शन 91, 92, 93, 105, 106, 107, 116, 118 रिगार्डिंग एक्सचेंज, 122 टू 129 जो गिफ्ट्स के रिगार्डिंग सेक्शन है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और वन सेक्शन जो सेक्शन एक और इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 130 रिगार्डिंग एक्शनेबल क्लेम। तो आपको एक बार ये सब सेक्शंस गो थ्रू करने हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, हिंदू लॉ में जो मैरिज एक्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके रिगार्डिंग जो केस लॉज होंगे आई विल पोस्ट इन द ग्रुप। देन इज मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ के रिगार्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो प्रोवाइड की है, आप एक बार यूनिवर्सल की बुक से पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास बुक नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मुस्लिम लॉ के, उसके बारे में वीडियोज प्रोवाइड की गई हैं। नेक्स्ट इज एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी, इसके रिगार्डिंग भी फुल फ्लेज प्रॉपर जो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपको जो कंटेंट चाहिए, वीडियोस पोस्ट की गई हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई और स्ट्रेटजी बना चुके हैं रिगार्डिंग द स्टडी सिस्टम, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या इन वीडियोस को देखने से आपको एडिशनल हेल्प मिल पाएगी अगर आपने कोई सेक्शन स्किप किया है। लाइक इज द केस फॉर इंडियन पीनल कोड, इसके रिगार्डिंग भी दोस्तों मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और जो आईपीसी में सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, दैट इज इलस्ट्रेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट, आपको सेक्शन नंबर्स जो इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और स्पेसिफिकली जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन सब की इलस्ट्रेशंस आपको गो थ्रू करनी है। देन लास्ट इज द सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन नंबर 1 to 25, देन ऑर्डर नंबर 1 to 10 एंड ऑर्डर नंबर 27 to 37। सबसे पहले आपको ये पार्ट गो थ्रू करना है, उसके अलावा आप जो एडिशनल पार्ट है, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर्स के सभी हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है और सेक्शन नंबर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट के जो ऑर्डर नंबर 1 to 10 है, उन सब के आप रूल्स भी गो थ्रू कीजिए, बाकी सब ऑर्डर्स के आप एक बार अच्छे से हेडिंग्स, और इवन जो ऑर्डर नंबर 27 to 37 है, उनके भी आप एक बार रूल्स को रीड कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई फर्दर वीडियो पोस्ट किया जाता है आपको उसका अपडेट मिल पाए। थैंक्स अ लॉट।